पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भी जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस की सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और हमारी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर चर्चा की। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक के फैसले के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से काफी पहले बैरिकेड लगाकर रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी, लेकिन पुलिस भी मोर्चे पर डटी रही। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही धरना देने की योजना बनाई। सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे लोगों ने केजरीवाल सरकार से सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर बैन के फैसले को वापस लेने की मांग की। कुछ देर बाद सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी खड़े हो गए और फिर से पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस बार भी पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। केजरीवाल अपने सारे काम कर सकते हैं, हिंदुओं के साथ अपमान क्यों? असल में कोरोना संकट की वजह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाई और बीजेपी की मांग है कि लोगों को पूजा की अनुमति दी जाए। पाकिस्तान ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की साजिश रची है। पाकिस्तान सेना के इशारे पर पीओके में ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। लोगों को भड़काने की ISI मौलवियों और आतंकवादी संगठनों का सहारा ले रही है और पीओके में मौलवियों से रैलियां करवा रही है, जिनमें मौलवी पाकिस्तानी सेना की इज्जत करने को कह रहे हैं। पीओके में मौलवी करीब 24 रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। लोगों को भड़काने के लिए मौलवी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर अपने हक में करना चाहती है। पाकिस्तान का ISI और पाकिस्तान की फौज गजबा हिंद का नारा लगाकर POJK के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो गुस्सा है उससे हटाने की कोशिश कर रही है। उनके अंदर भारत के प्रति जो जलवा है उसको दूर करना चाहते हैं।